যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় কোনো বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? बांग्लादेश में भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान सोशल मीडिया पर एक प्रवृत्ति बनाई गई है, लेकिन क्या ये वास्तव में भारतीय उत्पादों की खपत या निर्यात प्रवाह को कम करने में प्रभावी है? क्या भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान बांग्लादेश के अगले चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है? क्या भारतीय उत्पादों का बहिष्कार बांग्लादेश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है? और क्या इस तरह के बहिष्कार से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध खराब हो सकते हैं? तो आइए इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बांग्लादेश में भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के राहुल कबीर रिजवी ने भारतीय वस्तुओं के विरोध में अपनी कश्मीरी शॉल फेंक दी। हालांकि इस कदम को उनकी पार्टी के रुख के रूप में नहीं देखा गया। बाद में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सार्वजनिक रूप से सवाल किया कि कबीर अपनी पत्नी की भारतीय साड़ियों को क्यों नहीं जलाते। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि चुनाव के महीने बाद भी यह रुझान जारी है। इस तरह के एजेंडे का उद्देश्य स्पष्ट है। बीएनपी के नेता भारत सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के पक्ष में नहीं है। अंततः इसका नकारात्मक प्रभाव बांग्लादेशी वेतन भोगियों पर पड़ेगा, न कि अभिजात वर्ग पर। वैसे बांग्लादेश बुनाई और वस्त्र उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी होने के बावजूद अक्सर भारतीय वस्त्रों पर निर्भर करता है, जो कई बार अपने स्वयं के उत्पादों की तुलना में सस्ते होते हैं। जैसे बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाले लगभग 80% कच्चे माल और कपास की आपूर्ति करता है। बांग्लादेश के लिए प्याज एक महत्वपूर्ण वस्तु है और भारत इसका एक प्राथमिक स्रोत है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश को बिस्किट, टूथपेस्ट, शिशु आहार, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, तेल, खनिज वस्तुएँ, दवाएँ, सोया तेल, चॉकलेट, चीनी, दूध, डेयरी उत्पाद, कार और टायर जैसी कई सारी जरूरी चीजें निर्यात करता है। बांग्लादेश भारत का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। व्यापार का आकार और संरचना को देखते हुए साल 2002-2003 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार $1.3 बिलियन था। इसके अलावा 2022-2023 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $16 बिलियन हो गया, जो भारत बांग्लादेश को मुख्य रूप से कपड़ा, वस्त्र, वाहन, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन निर्यात के जरिए हुआ है। बदले में बांग्लादेश भारत को मुख्य रूप से परिधान, चमड़ा, जूट, समुद्री भोजन और कच्ची खाल का निर्यात करता है, जो करीब 25% है। वैसे ये भी सच है कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार असंतुलित है, जिसमें भारत बांग्लादेश को बहुत अधिक निर्यात करता है। साल 2022 और 23 में भारत का बांग्लादेश के साथ व्यापार घटा करीब $10.2 बिलियन था। तो इस तरह बांग्लादेश में भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है, लेकिन इसका भारत के आयात पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। भारतीय उत्पादकों को अनेक मूल्य और गुणवत्ता के लिए पसंद किया जाता है और उनके बहिष्कार से बांग्लादेश के वेतन भोगी और आम बांग्लादेशी ही प्रभावित होंगे। आत्मनिर्भरता की वकालत करना उचित है, लेकिन एक अच्छे और जिम्मेदार पड़ोसी के प्रति दुश्मनी को बढ़ावा देना उचित नहीं है। ये थी हमारी खास पेशकश। दीजिए विदा। नमस्कार।